Good morning. Good morning. Without a usual hug, that yes. Amma, which we always love to have Amma's hug, but today, fortunately, unfortunately, we didn't do that. No hugs in the time of coronavirus, right? Yes, so, that's a precaution that which we can consciously do. So, aaj hum baithe hain to talk to all of you about what is in our minds. Okay, and aap mein se bahut logon ne hame pucha bhi hai ki kya special care lena hai because of how, as CML and GIST patients, our immunity system is suppressed. As all of you have been hearing, coronavirus ke jo high risk लोग हैं, एल्डरली जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको एक पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट कंडीशन हो और कैंसर. और हम लोग सब तो कैंसर के साथ ही जी रहे हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं. सो व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से आवर इम्यूनिटी इज सप्रेस्ड? इसका मतलब है कि हम अब कोरोना वायरस छोड़िए, बिकॉज वी आर अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, किसी भी वायरस के लिए हम हाई रिस्क हो सकते हैं क्योंकि हमारे जो फाइटिंग शक्ति है वो थोड़ा इफेक्ट हो जाता है बिकॉज वी आर अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर. प्रमोद, तो हमें करना क्या है? ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, जो बेसिक चीज़ हम बरसों से कर रहे हैं वही हमें कंटिन्यू करना है. जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हम हाथ धोते, प्लीज़ इन्श्योर दैट वी डू दैट एक्स्ट्रा, वी इन्श्योर दैट हम हाथ साबुन से धोए और एक नहीं दो नहीं जितने बार धो सकते हैं हमारे पास एक्सेस है हम हाथ धोए ताकि हमारा हाथ सफ़ा रहे. अलग अलग चीज़ों को हम छूते, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहीं दरवाजे हाथ लगाते जो हमारे साथ और कोई हाथ लगा रहे, हम कहीं बिल्डिंग के लिफ्ट को हाथ लगाते, लिफ्ट के बटन्स को हाथ लगाते, ये सभी लोग हाथ लगाते, तो हमें क्या करना है वहाँ पे थोड़ा और सावधानी बरतनी है. हो सके तो हमारे हाथ में रुमाल रखें ताकि ये एक बार की को हाथ लगाने से पहले हम हमारे और या उसके बाद हम हमारे हाथों को पोछें, घर जाने के बाद वही हम साबुन से और पानी से हाथ को और सफ़ा करें, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा और हेल्दी हो जाता है. और कहते हैं कि ये जो सर्दी है, फ्लू, कोल्ड, इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए. देखिए, हमसे कहा गया है कि हाई फीवर हो और ड्राई कॉफ हो तो बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए. एंड एक बार मैं और कहूँगी, हैंड वॉशिंग, ऐसा नहीं कि बस पाइप खोल दे और कर दिया, नहीं, साबुन और पानी के साथ जितनी बार हम कर सकते हैं अच्छे से हम अपने 20 सेकंड के लिए हाथ धोना है. और प्रमोद, आई वाज अबाउट टू से कि व्हेन यू स्नीज यू शुड ऑलवेज स्नीज यस लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस. और हाथों में अगर रुमाल हो तो रुमाल रखें स्नीज करने के टाइम. बहुत सारे टाइम ऐसे हो जाता है कि जहाँ पे हमें रुमाल निकालने को कोई दिक्कत हो जाती है, तो रुमाल निकालने दिक्कत हो गई तो हमने अगर फुल हैंड शर्ट पहने हैं तो हम स्नीज करने के टाइम ऐसे रख दें ताकि जो फैब्रिक है वो उसको कैद करने का उसमें क्षमता है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट प्रमोद हैज सेड. ऐसे हम स्नीज करेंगे तो फैब्रिक में जो है हमारे जर्म्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, तो स्प्रेड होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. और दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सभी जगह सुन रहे हैं कि हमें ट्रैवल कम करना है. देखो, हम एज कैंसर पेशेंट्स हमें ट्रैवल कम करने बोले तो अब चलो, दैट मीन्स दैट वी हैव टू इन्श्योर दैट अननेसरी ट्रैवल इज अवॉइडेड. जो हमें काम पे जाना है वो तो हम रोक नहीं सकते हैं, हमारे पास डॉक्टर के पास जाना वो हम रोक नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाना है वहाँ पे और भी मरीज रहेंगे और थोड़ा हॉस्पिटल जब जा रहे हैं वहाँ पे गर्दी होंगे, लेकिन वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते. वहाँ पे जाना है, जितना हो सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम चल के जा सकते हैं वहाँ पे चल के जाइए, और अपने को जो रेगुलरली जो प्रिवेंट कर सके वो हमें प्रिवेंट करना है. सी, जो एडवाइजरी है, जो एडवाइजरी है सबके साथ है कि वॉश योर हैंड्स, ओके, स्नीज इनटू फैब्रिक कवर्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी, अवॉइड, मिनिमाइज कॉन्टैक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब ऐसे अपने आप जो हम वॉलंटियरली कर सकते हैं कि बड़े बड़े गैदरिंग्स में ना जाएं. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉन एसेंशियल ट्रैवल, और हमारे लिए तो डॉक्टर के पास जाना एसेंशियल ट्रैवल है. और आजकल तो जो लोग घर से काम कर सकते हैं वो लोग कर ही रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, लेकिन सबके पास ये सहूलियत नहीं है कि घर में वाईफाई हो और कंप्यूटर हो और घर से काम, और सब लोगों का काम भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि घर में बैठ के काम कर सकते हैं. तो ये दो जो माहौल है, इन दीज टू सर्कमस्टांसेस वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन. देखो, पैनिक नहीं करना है, प्रिपेयर्ड होना है. ओके, सो एसेंशियल ट्रैवल वी कैन नॉट अवॉइड, तो उसके लिए ऑल द मोर रीज़न वाई वी शुड फॉलो ऑल दीज हैबिट्स. ओके, वॉशिंग योर हैंड्स,
be proactive and ensure that we follow what our doctor has always said us to be hygienic, clean. Less travel, like Amma said, please ensure whatever is essential has to be done. My request to all city chapter leaders who are watching this is please apni apne bhasha mein, Tamil, Malayalathil, Gujarati mein, Marathi mein, okay, Bengali mein, in all the languages possible, please share this message. Pramod and I are also working on a little chart which we will share with everybody point-wise. What are the most important precautions that we have to take? Thank you so much. And let's together overcome this. No hugging. No hugging. Thank you.